और अब न्यूज इंडिया की टीम आप पहुंची है मथुरा, जहां पर आप मेरे पीछे देख पाएंगे श्री कृष्ण जन्म स्थान, वो कृष्ण जन्मभूमि जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जगत के पालनहार का जन्म हुआ था। यही वो जगह है जहां पर माँ देवकी और उनके पति वासुदेव जी ने अपने पुत्र श्री कृष्ण को जन्म दिया था। यहीं अंदर आप जाएंगे मंदिर में तो आप उस गर्भगृह में पहुंचेंगे, उस जेल के पास पहुंचेंगे, कारावास के पास पहुंचेंगे, जहां जेल के अंदर माँ देवकी और वासुदेव जी ने अपने पुत्र श्री कृष्ण को जन्म दिया था। देखिए, हिंदू परंपराओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के घर एक जेल की कोठरी में हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि उनके मामा कंस को आकाशवाणी द्वारा मालूम चला था कि देवकी के आठवें संतान से उनकी मृत्यु तय है। और द्वापर युग में जो देवकी का आठवां संतान है वो श्री विष्णु जी का अवतार है जो कि कंस का वध करेगा, और यही वो जगह है जहां से शुरुआत हुई थी श्री कृष्ण और कंस के कहानी की। यही वो जगह है जहां पर कंस को अपने मृत्यु का डर सताने लगा था, और यही वो जगह है जहां कंस के अंत के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। वहीं अगर बात की जाए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की, तो देखिए यहां पर काफ़ी व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं, और साथ ही हर एक व्यवस्था का जो इंतज़ाम है कुछ इस तरीके से किया गया है कि महिलाओं को भी दिक्कत ना हो। इस बार एसएसपी शैलेश कुमार पांडे की ओर से साफ तौर पर बताया गया है कि जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, और क्योंकि जन्माष्टमी का दिन है यानी जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इस दिन को लेकर लाखों की संख्या में देश और विदेश से श्रद्धालु आते हैं। सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं, और अगर हर दिन की हम बात करें तो हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन करते हैं, लेकिन सिर्फ जन्माष्टमी के दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, रात 12 बजे का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पूरे मथुरा को जोन और सेक्टर में बांट दिया गया है। मथुरा में रेड, येलो और ग्रीन जोन बनाए गए हैं, साथ ही शहर में कुल 17 सेक्टर बनाए गए हैं। जोन में जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर्स में सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 3000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। पुलिसकर्मियों के अलावा पीएसी की 5 कंपनियां भी शामिल हैं, और लोगों से भी जब यहां की व्यवस्था का जायजा हमने लिया तो महिलाओं का साफ तौर पर यह कहना है कि यहां पर व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। शासन स्तर से जिले की फोर्स की उपलब्ध कार्रवाई जारी है, और इसके 1000 से अधिक सिपाही, 100 से अधिक इंस्पेक्टर दरोगा को तैनात किया गया। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो ये श्री कृष्ण जन्म स्थान है, इसके चारों ओर का नज़ारा अगर आप देखेंगे तो लोग सिर्फ जय श्री कृष्णा और राधे राधे की राग अलापते नजर आ रहे हैं। और मेरे पीछे ये जो मंदिर आपने देखा, मथुरा में ये मंदिर स्थित है, जहां न्यूज इंडिया की टीम सिर्फ इसलिए आई है ताकि जन्माष्टमी के मौके पर हम आपको अपने इस कैमरे के जरिए हर वो तस्वीर दिखा सके जो आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ जगत के पालनहार का, प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और यहीं से शुरुआत हुई थी श्री कृष्ण को वासुदेव जी अपने साथ टोकरी में रख के गोकुल की ओर ले गए थे। और जब बात श्री कृष्ण जन्मभूमि की हो, जन्म स्थान की हो, तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी यहाँ पर लोग आते हैं श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, उनके एक दीदार के लिए, उनकी एक छवि के लिए। और जब जन्माष्टमी का पावन पर्व हो, जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था इसी स्थान पर, तो ऐसे में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर श्रद्धालुओं की वो भीड़ इकट्ठा होती है जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा पाएंगे। मेरे पीछे आप देखेंगे कई ऐसे लोग हैं जो दूर दराज से आए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन का, इंतज़ार कर रहे हैं उनके एक दीदार का। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर से आया हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा है, बहुत प्रिय लगा है मुझे आज। नहीं जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मैं डिस्ट्रिक्ट, हाँ, अच्छे से हो गया। हाँ जी, लल्ला के दर्शन, हाँ जी, खुश हैं, लल्ला के दर्शन कर अति प्रसन्न। आज आप श्री कृष्ण जन्मभूमि आए हैं जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, दर्शन आपने कर लिए, कहाँ से आप आए? मैं जनपद चित्रकूट से हूँ, भगवान श्री राम की तपोभूमि,
और मेरा नाम अभय कुमार है और मेरा यहाँ तक अनुभव जो कि मैं पहली बार आया हूँ और घूम मुझे जो है यहाँ पे यहाँ की एक सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ का पुराने इतिहास से लेकर के अभी तक में काफ़ी बदलाव जो देखने को मिल रहा है मुझे वो देखने को मिला। और एक युवकों की जो एक ललक होती है मथुरा वृंदावन और यहाँ का नाम सुनते हुए इसके माध्यम से एक हम मतलब एक अलग ही अपने अंदर एक जागृत पैदा होती कि हम यहाँ आए यहाँ के इतिहास को जानें और अपने देश के सभी युवाओं से यही आग्रह करूँगा कि एक बार अवश्य अपने मथुरा वृंदावन में जरूर आएँ और यहाँ के इतिहास को जानने की कोशिश ज़रूर करें। जी मैं भी चित्रकूट से आया हूँ और बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं युवाओं के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर आप आए हैं तो धर्म से हट के इतिहास जानने की कोशिश करिए, क्योंकि धर्म और इतिहास से आप लगाव रखिए, धर्म से भी ये नहीं कह रहा, लेकिन धर्म से हट के और इतिहास को जानिए। मैं देखता हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है ना उसको कोई पढ़ रहा है, ना ही जानने की मतलब इच्छा तो है ही नहीं, तो एक जिज्ञासा लेकर आइए ना कि एक भक्ति की भावना से। धन्यवाद। तो देखिए 19 सबसे पहली बात यह है कि 5 बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा चुका है और 1982 में इस मंदिर को बनाया गया था और तब से अब तक ये मंदिर ठीक इसी तरीके से है। समय समय पर जरूरत पड़ने पर काम जरूर किया जाता है, लेकिन इस मंदिर की खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब श्री कृष्ण का जन्मदिन, जब जन्माष्टमी का पर्व मथुरा में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। चलिए दुकानदारों से भी जानेंगे कि आखिर इस बार जन्माष्टमी के मौके पर जब श्रद्धालु अलग अलग जगहों से आ रहे हैं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो आखिर यहाँ पर किस तरीके का काम है, क्या कारोबार है। तो देखिए जन्माष्टमी का पर्व है और यहाँ पर खासकर मथुरा की सुंदरता को बढ़ाती हैं ये दुकानें, जहाँ आप अलग अलग तरह की श्री कृष्ण से जुड़ी हुई, राधा रानी से जुड़ी हुई और इस ब्रजभूमि से जुड़ी हुई चीज़ें खरीद सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस बार जन्माष्टमी के मौके पर किस तरह का काम है, कैसा कारोबार है और क्या उम्मीद पूरी हो पा रही है या फिर नहीं। मेरा नाम राहुल शर्मा। इस बार जन्माष्टमी के मौके पर जिस तरह हम देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ थोड़ा इस बार कम है, क्या काम का असर इसका पड़ा? नहीं, भीड़ भाड़ अब आज से चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, भीड़ आएगी। 3-4 दिन का उत्सव है जन्माष्टमी का, भीड़ आएगी, काफ़ी अच्छी भीड़ आएगी। नहीं कब अच्छा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, नहीं कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार। अच्छा, पुलिस ने इस बार और ज़्यादा पुख्ता इंतजाम किए हैं, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, तो क्या वाकई में ग्राउंड जीरो पर ऐसा है? नहीं नहीं, जो हर साल रहता है उसी की भांति इस साल भी है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, तो देखिए व्यवस्थाएं ठीक हैं, दुकानदारों की जो उम्मीद है वो भी पूरी हो रही है और उम्मीद है कि आगे भी वो काम जो है वो चलता रहेगा। तो देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि पूरा परिवार साथ आए और अभी फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि कहाँ से वो आए हैं और यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है। परिवार के साथ आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ आए। कहाँ से आए हम? लखीमपुर से आए हैं, लखनऊ से आ गए। अच्छा, क्या नाम है? पारुल शर्मा। अच्छा, और भी कैसा लग रहा है, दर्शन आपने कर लिए? बस दर्शन करने जा रहे थे, यहाँ तो बात ही कुछ अलग है। अच्छा, मन में खुशी है? बहुत ज़्यादा, तभी बच्चों को लेकर आए, बच्चे कह रहे मम्मी पहले दर्शन करा के लाइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। दर्शन का इंतजार है जी, लड्डू गोपाल जी देखने का जी। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ। फोर्थ में और श्री कृष्ण जी के दर्शन करने आ गए? श्री कृष्ण जी के लिए कुछ चलोगे? क्या तो देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं, मासूम बच्चे भी श्री कृष्ण की लला के लिए, एक दर्शन के लिए ललाहित हैं और उनके दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, भले की जय, भले की जय। आज हम यहाँ आए कृष्ण जन्मभूमि, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या मान्यता है इस मंदिर जी? मैं अयोध्या से हूँ राम जी, मैं तो दर्शन करने जी हैं, तो ठाकुर जी का जन्म है लाला था, तो हैं तो ब्रजवासी तो ज़्यादा थोड़ा तो अवधवासी हैं। हाँ, दर्शन कर लिया आपने जी? मेरे दर्शन कैसा लगा? वो तो भाव असली, अभी तो थोड़ा तम दर्शन, जब हमारा पल्ला वाला मिल जाए तब दर्शन असली होने, अभी क्या हुआ शुरुआत है जी। लखीमपुर खेरी से आए हुए हैं। दर्शन कर लिए जी? दर्शन आपने कर लिए? कर लिए। हाँ कर लिया जी जी, कर लिया। बहुत अच्छा लगा,
भगवान के दर्शन आपके साथ आए थे पूरी हुई जी, खुशी मिली जी, बहुत प्रसन्नता हुई जी, खूब खुशी मिली, इनको प्रधानी मिल गई, इन्हीं द्वारा हम भी खुशी हैं। प्राचीन का यह मंदिर है, कन्हैया जी हैं, इनकी सब लीला करी हुई है, उसी को हम लोग देखते देखने आते हैं। कहानी जानते हैं? कहानी तो जानते हैं, सुनते हैं। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, भगवान का। इस तरीके से लोग अपने लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं, लड्डू गोपाल से मिलाने के लिए, श्री कृष्ण से मिलाने के लिए, और ये वो लड्डू गोपाल हैं जो घर घर में हैं। हर घर में आपको लड्डू गोपाल मिल जाएंगे जो सबके दुख और तकलीफ को हरते हैं। कहाँ से आए आप लोग? पानीपत से। पानीपत से दर्शन हो गए आपके? हाँ जी। कैसे दर्शन हुआ? बहुत अच्छे से हुए हमें दर्शन। लड्डू गोपाल जी को भी दर्शन करवाए? हाँ जी, उनको भी करवाए दर्शन। बहुत खुशी हो रही है। कैसे लगे दर्शन करके? बहुत अच्छा। राधे राधे। श्री राधे कृष्ण। तो देखिए, कुछ और दुकानदारों से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर इस बार जन्माष्टमी के मौके पर जो उम्मीद है वो कितनी पूरी हुई है, काम कैसा चल रहा है, श्रद्धालु जो आ रहे हैं, और प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, हर साल से भी ज़्यादा भीड़ आने की संभावना इस समय लग रही है, और योगी जी का काम यहाँ पे देखने को अच्छा मिल रहा है। काम अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छा। और किसी तरह की कोई परेशानी? कोई भी परेशानी नहीं, यानी कह सकते हैं यहाँ सब कुछ व्यवस्था? हाँ, सुपर, सब बढ़िया चल रहा है। तो देखिए, काम भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित है। तो देखिए, बिहार से ये पूरी मंडली आई है और महिला मंडली बिहार से आकर यहाँ श्री कृष्ण के दर्शन तो कर लिया, अब उनके लिए कुछ दो शब्द गुनगुनाना चाहती हैं, चाहूंगी कि गाएं। लमल राम जीता कहाँ मन कृष्णा जल में है, ललना कहाँ माँ में जला मै गाने सता तीनों घर बसो हर है, ललना कहाँ माँ में जला मै गाने सता तीनों घर बसो हर है, मल श्री राम चंद्र मथुरा ने कृष्णा जल मै आहे पर्वत पर जला मल गाने सता तीनों घर बसो हर, काम में न चले पमरिया तो काम में आ रहे, आलना काम में नाचे भूत ताला तीनों घर बसो हर, ललना कहाँ माँ में नाचे भूत ताला घर बसो हर। तो देखिए, आपने सुना कि कितना प्यारा और मधुर ये भजन था, हालांकि क्षेत्र भाषा का ये भजन था, और हरे टोलावा से आइल ओ रहनावा हो, कान्हा खा गइलन माखनावा, टोलावा आइल ओ रहनावा हो, कान्हा खा गइलन माखना, एक हत दशोधा मैया धैले बारन कान्हावा, एक हत दशोधा मैया धैले बारन कान्हावा, अरे दूसरा हाथे मरलन चाटा कान हो, काहे खैल इनकर माखनावा, अरे दूसरा हाथे मरलन चाटा कान्हावा हो, काहे खैल तहर माखना, भर दिन मैया हो राधा संगे रहनी, भर दिन मैया हो वृंदावन में रहनी, अरे कब इनकर खैनी माखनावा हो, मैया मार देलू चाटा कानावा, अरे कब तोहर खैनी हमा खानावा हो, मैया मार देलू चाटा कानावा, अरे टोलावा से आइल बा ओ रहनावा हो,
कान्हा खा गैलन मखाना टोलावास आयल बा रहा हो कान्हा खा गैलन माखा एक हाथ दसोधा मैया धैले बारन कान्हा आए कहत दसोधा मैया धैले बारन काना अरे दूसर हाथे मर तरन चाटा कान हो काहे खैलू तू मखानावा आ दूसर हाथे मर तरन चाटा कानावा हो। अभी फिलहाल हम गर्भगृह के बाहर मौजूद हैं, जहां मान्यता ये है कि यहां पर लड्डू गोपाल को झूला झुलाने से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और यहां आप दर्शन करते हैं सबसे छोटे बाल स्वरूप की। तो जानते हैं आखिर गर्भगृह की मान्यता क्या है और इसके पीछे की कहानी, आखिर रहस्य क्या है। यहाँ झूला झुलाने का सबसे बड़ा महत्व है। सब जगह जाओ, कहीं बांके बिहारी, कहीं गोवर्धन महाराज, वहाँ झूले का महत्व नहीं है। झूला है, झूले का महत्व कहाँ है? जहाँ भगवान झूले हैं, बालकृष्ण गोकुल में भगवान का झूला झुलाया है, इसलिए यहाँ झूला झुलाने का सबसे बड़ा महत्व है। कहते हैं यहाँ झूला झुलाने से हमारे घर का कभी झूला खाली नहीं रहे। जिस भाव से यहाँ भगवान को मनोकामना मांगे, जिस भाव से यहाँ भगवान का झूला झुलाएं, उस भाव से हमारे घर में बेटा बेटी का हमेशा झूला झूले। बोलो राधे राधे। तो अभी फिलहाल हम 84 खम्बा मंदिर आए हैं, जानेंगे कि आखिर इस मंदिर की मान्यता क्या है, क्या परंपरा है, क्योंकि इसके पीछे भी कई रहस्य है। तो जानते हैं 84 खम्बा मंदिर के पीछे का रहस्य ये है कि जब नंद बाबा को वृद्धावस्था हुआ तो भगवान से बोले हमको ब्रज का यात्रा करना है और हमारा ब्रज जो है 84 कोस में है। तो जब वृद्ध थे तो भगवान बोले बाबा आप कहाँ जाओगे, जगह जगह जाओगे, आपको परेशानी होगा, मैं 84 खम्बों का व्यवस्था यहीं करता हूँ। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दिया, ब्रह्मा जी विश्वकर्मा को आज्ञा देके यहाँ 84 खम्बा स्थापना किए। तो जो नंद बाबा का हाथ पकड़ के भगवान इन 84 खम्बों का परिक्रमा लगवाए तो उनको 84 कोस यात्रा का फल मिलता है। तो जो भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए आता है, पूरा ब्रज में दर्शन नहीं कर पाता है और ये नंद भवन में 84 खम्बों का परिक्रमा कर लेता है, दर्शन करता है, झूला झुलाता है, तो उनको ब्रज 84 कोस यात्रा का ही फल मिलता है जी। और रेती माता मंदिर के मंदिर में फिलहाल हम मौजूद हैं, यहाँ की भी मान्यता है कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ बलदाऊ जी माँ रेती के साथ विराजमान है और कहीं देश में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ वो साथ में मौजूद नहीं। मंदिर में तो दूसरी जगह भी हैं लेकिन ये मंदिर गोरे दाऊ जी और रेवती माता का दर्शन है। दाऊ जी ज़्यादातर काले मिलेंगे और ये गोरे दाऊ जी हैं और इनके हाथ में हल और मूसल लगा हुआ है और इनके साथ में ही छोटा मूर्ति जो रेवती माता का, ये गोरे दाऊ जी रेवती माता का एक विशेष मंदिर है जो सौभाग्यवती माताओं का तीर्थ बोला जाता है। जो माता बहनों को संतान वगैरह नहीं हो पाती हैं वो विशेष रूप से इसका दर्शन करती हैं तो उनके संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा ही मनोकामना बोला जाता है। अच्छा, एक इसके पीछे की कहानी ये भी है कि यहाँ पे जब बाकी देवी देवता आए थे लड्डू गोपाल को देखने के लिए तो उन्हें दर्शन करने दिया गया था, लेकिन जब शिव जी यहाँ आए तो उन्हें दर्शन नहीं करने दिया गया, ये क्या पूरी कहानी? देवी देवता सभी अपने अपने स्वरूप में आए थे तो सबका स्वरूप तो सुंदर है। वैसे तो हमारे भोले बाबा भी सुंदर है, परम वैष्णव हैं, लेकिन उनके सर्प में गले में सर्प लटका हुआ है, बाघांबर लपेटे हुए हैं, भभूति रमाते हैं, लंबी लंबी जटाएं, मुंडों की माला पहनते हैं, तो उनका स्वरूप थोड़ा डरावना सा। तो माता यशोदा बोलती हैं मैं उनको देखकर डरती हूँ, मेरा बच्चा छोटा है, अगर इनको देखेगा, एक ही तो पुत्र 60 वर्ष की अवस्था में वृद्धावस्था में मिला है, इनको देख के अगर डर जाएगा तो मुझको कष्ट होगा और ये मैं चाहती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इनको दर्शन नहीं कराती। तो इसलिए शंकर जी को यहाँ दर्शन के लिए उनको वेट करना पड़ा, माता ने मना कर दिया, लेकिन शंकर भगवान परम वैष्णव हैं, बोले मैं बिना दर्शन किए नहीं जाऊँगा। तो यहीं शंकर भगवान 3 दिन 3 रात तपस्या किया है, तो यशोदा माता की सखी थी, उन्होंने उनको समझाया कि ये कोई वैसे बाबा जी नहीं है, इनको देख के डरो मत, ये स्वयं भोलेनाथ हैं। तो इनको यहाँ शंकर जी को भगवान ने चंद्रमा का हट किया, लीला है तो चंद्रमा शंकर जी के मस्तक पर लगा हुआ है, मचल गए बाल गोविंदा, खेलने के लिए मांगा चंदा, चंद्रमा मांगा तो एक ही जगह आकाश में या शंकर जी के मस्तक में, तो जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण किया, तो शंकर स्वयं भगवान को फिर माता यशोदा लेके आई, दर्शन कराया। मंदिर में प्रवेश करने के बाद भक्तों का यह कहना था कि वहां दीवारों पर वो महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं जिसे अगर आप पढ़ लेंगे तो उसे पढ़ने के बाद मानो जैसे आप उस काल में पहुंच जाते हैं जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जब श्री कृष्ण यहां पर मौजूद थे।
जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और मथुरा आज भी इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ये वही जगह है जहाँ से श्री कृष्ण ने पूरे देश में पूरे विश्व में संदेश दिया था कि देर से ही सही लेकिन एक वो वक्त जरूर आता है जब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।